हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 3D बिल्डिंग कैसे ड्रॉ करते हैं। अब कंप्यूटर में अगर कोई भी बिल्डिंग या हाउस ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको पेंट ओपन करना है, तो यहाँ से मैं पेंट को ओपन करता हूँ। फर्स्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है लाइन, तो यहाँ से आपको लाइन साइज मिल जाएगा, यहाँ पे कलर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पेंसिल इरेजर हर तरह का टूल्स आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ब्रशेस अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से साइज को सिलेक्ट करना है, तो आप साइज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, उसके नीचे और एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, फिर दोनों को ज्वाइन करना है। उसके बाद लेना है रेक्टेंगल शेप, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है, फिर लाइन सिलेक्ट करना है, करके आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है, फिर इन दोनों लाइन को ज्वाइंट करना है, फिर से रेक्टेंगल शेप लेना है और यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है, फिर से लाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको ज्वाइंट करना है लाइन से। उसके बाद आपको लेना है रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेप लेके आपको नीचे का बेस ड्रॉ करना है इस तरह से, फिर आपको लाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको यहाँ तक ड्रॉ करना है, फिर से लाइन ड्रॉ करना है और फिर से लाइन यहाँ से जॉइंट। उसके बाद यहाँ से फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, फिर रेक्टेंगल शेप लेना है और आपको यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। उसके बाद फिर से लाइन सिलेक्ट करना है और यहाँ से जॉइंट, फिर और एक लाइन सिलेक्ट करना है यहाँ तक, फिर यहाँ से जॉइंट, फिर यहाँ से और एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से जॉइन करना है, फिर आपको डोर विंडो बनाने के लिए फिर से रेक्टेंगल शेप यूज़ करना है और यहाँ से आपको रेक्टेंगल शेप देना है इस तरह से, फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, फिर विंडो के लिए आप इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप यूज करें यहाँ पे और एक। उसके बाद फिर से आपको रेक्टेंगल शेप लेना है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है इस तरह से, फिर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और फिर से लाइन सिलेक्ट करके आपको साइड में ड्रॉ करना, फिर ऊपर का जो है डोर है वो भी आपको ड्रॉ करना है। इस तरह से आप 3D शेप्स, 3D बिल्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको कलर करना है, कलर फिल करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक फिल टूल मिल जाएगा, फिल विथ कलर, इसमें क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और फिर आप इसका दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से, तो इसी तरह से आप कोई भी 3D शेप्स, 3D हाउस, बिल्डिंग, कुछ भी आप पेंट से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना। वीडियो चले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।